हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किस्मत के बारे में। वो किस्मत जो सब किसी के पास है लेकिन किसी को नहीं मिलती, वो किस्मत जिसकी ताले की चाबी किसी को दिखती नहीं है लेकिन होती सबके पास है। तो किस्मत की चाबी कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे हम उसको खोल सकते हैं, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि किस्मत की चाबी है तो जरूर लेकिन कहाँ पे है। एक बार की बात है, भगवान शिव और पार्वती जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि दो निर्धन व्यक्ति बड़ी मुश्किल से जिनका गुजर बसर होता था वो दिखे। तो पार्वती ने कहा कि भगवान ये तो बहुत गरीब हैं, इनके लिए कुछ सोचो, कुछ करो। तो प्रभु ने कहा, भगवान ने कहा कि भाई इनकी किस्मत में तो पत्थर भी नहीं है, हम क्या सोचें इनके बारे में। उन्होंने कहा क्यों नहीं है, आप कोशिश तो करो, आप देखो तो, आप इनके सामने सोने की गठरी रख दो और देखना फिर इनको मिल जाएगा सब कुछ। तो शिव भगवान ने वैसा ही किया और वो सोने की गठरी खड्डे के अंदर, एक गड्ढे के अंदर रख दी। और जैसे ही वो उस खड्डे के अंदर से आए, उन्होंने कहा कि उसको जंप करके चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे वरना पैर लगेगा तो चोट लग जाएगी। और वो गठरी जो उनको मिली दे दिया, छोड़ गए, नहीं मिली। फिर भगवान ने कहा, देखा मैंने कहा था ना, भगवान पार्वती ने कहा कि भगवान आपने चीटिंग की है, उनको तो मिल जाती, आपने देना ही नहीं चाहते थे। आपने क्या किया, आपने उसको गठरी में डाल दिया और उसके बाद उसको खड्डे में डाल दिया, जो मिलना होता तो भी नहीं मिलता। आप उनके सामने सोने का ढेर लगा दो, हीरे मोती का ढेर लगा दो, फिर देखो कैसे नहीं मिलेगा, किसी से मत बंद करो उसे। उन्होंने भगवान ने कहा चलो ठीक है मैं ऐसा करता हूँ। प्रभु ने फिर वैसा कर दिया। तब उन दोनों ने अपने आप सोचा कि यार पता नहीं ये लोग जो बेचारे देख नहीं पाते वो कैसे चलते होंगे। तो उन दोनों ने कहा कि चलो हम एक काम करते हैं, आंख बंद करके दूर तक देखते हैं कहां तक जा सकते हैं। वो दोनों चलने लगे, चलते चलते उन्होंने उस सोने के ढेर, जो हीरे मोती का ढेर लगा था, उसको भी क्लोज कर दिया, चले गए। अब ये देख के शिव भगवान को बड़ी हंसी आई, वो हंसने लगे। वो बोले देखा मैंने कहा था ना इनके नसीब में पत्थर भी नहीं है। तो क्या पार्वती जो गुस्सा है, उन्होंने पत्थर उठा के फेंक के मारा उस शख्स को। जैसे उसे पत्थर लगा, उन्होंने देखा अरे किसी ने पत्थर मार दिया, किसने मारा है, जरूर कोई यहाँ पे छुपा हुआ है। उन्होंने जैसे पीछे जाके देखा तो वो ढेर दिखा सोने का, बोले अरे हमें तो सोना चांदी है, किसका है देखते हैं। वो आगे गए तो उस खड्डे में जहां पे वो सोने की पोटली रखी हुई थी उसमें उनका पैर गया, उन्होंने देखा उनको सोना मिल गया। पार्वती जी बड़े हैरान, बड़े परेशान, बोले हमने इनके सामने रख दिया, नहीं मिला लेकिन बाद में मिल गया। तब शिव भगवान ने कहा वो पत्थर जो पार्वती देवी आपने उनको मारा था, उसकी वजह से उन्होंने जो मेहनत की, जो लोगों को देखा ढूंढा, वहीं जाके उनकी किस्मत का दरवाजा खुला। तो इसी तरह से ही किस्मत की चाबी हम सबके पास है लेकिन हम उस ताले को नहीं खोज पाते। अब जैसे इन्हें तो आप सब जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, क्या आपको उनकी स्टोरी मालूम है? ये छोटे से गवर्नमेंट जॉब के लिए एयरफोर्स में इन्होंने रिटन क्लियर किया, क्वालिफाई किया और फिर पायलट की जॉब के लिए इन्होंने इंटरव्यू दिया, बट रिजेक्टेड, इनको वहां पर सिलेक्शन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ड्यू टू देयर पर्सनैलिटी, उनकी बेसिक पर्सनैलिटी जो एयरफोर्स में लोगों की होती है, बड़े स्मार्ट जो पर्सनैलिटी के लोग होते हैं उन्हें मिलती है, वो नहीं थी। तो उन्हें बड़ा महसूस हुआ, दुख हुआ, मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, पढ़ा लिखा हूं, पर मुझे नहीं मिल पाया, रीजन क्या है इसके पीछे। तो उन्होंने रुका नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फिर भी मेहनत करते रहे, बढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे, और एक दिन आज हम इनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जब उन्होंने वो अचीवमेंट हासिल कर ली तो एक दिन वो राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने कहा कि जब मैं कोशिश कर रहा था एक गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं मिल पाई, एक सेना में मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था, मुझे नहीं मिला, आज मैं तीनों सेनाओं का प्रमुख हूं। किस्मत अगर उनको वहां पे रोक देती, उन्हें वो पायलट की जॉब दे देती, क्या वो कभी मिसाइल मैन बन पाते, क्या कभी वो साइंटिस्ट बन पाते, क्या कभी वो हमारे देश के राष्ट्रपति बन पाते? नहीं। वो मेहनत, किस्मत हमेशा आपको वहां तक लेके जाती है जहां पे आपकी मेहनत आपको सब कुछ देना चाहती है। हम उसके भरोसे नहीं रुक सकते। एक पेरेंट्स, एक माँ बाप अपने सबसे सब कुछ सब चीज किस पे निछार करता है, अपने बच्चों के ऊपर। वो हमेशा सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को अपने से बढ़ के दूं, क्योंकि वो उसे अपनी किस्मत की चाबी मानते हैं और वो चाहते हैं कि जब मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी तो वो हर तरह से मेरे साथ होंगे, मेरे साथ रहेंगे। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारी चाबी किस्मत की कब बनेगी, वो समय कम है उस किस्मत की चाबी को ढूंढने का।
टेंथ क्लास तक। आपको बड़ा अचंबा होगा, बड़ी हैरानी होगी कि सर टेंथ क्लास में, टेंथ क्लास किस्मत कहां से बनती? नहीं, किस्मत हमेशा वही बनती है जहां पे आप कभी सोचते नहीं, जहां पे आप कभी सुनते नहीं, जहां पे आप कभी देखते नहीं। हम अपने करियर की शुरुआत टेंथ के बाद करते हैं, लेकिन तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा ही करते हैं, हमें लगता है कि अभी टाइम ही नहीं है। लेकिन टाइम वही होता है जब आपको लगता है कि टाइम नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे पास सोचने की समझने की बहुत जबरदस्त पावर होती है। आपका लेवल ऑफ थिंकिंग, हर चीज नहीं देखने की पावर होती है। उस समय आप अपने करियर को चूज करना चाहे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सिर्फ स्टडी ही नहीं कह रहा मैं, आज के समय में सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता, पढ़े लिखे हैं। जब क्रिकेट में आए थे तब कितने पढ़े लिखे थे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन करियर बना, आज मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। और तो और अगर हम चाहें तो हमारा करियर सिर्फ स्टडी के अकॉर्डिंग ही नहीं, हम लोग कहां कहां पे करियर बना सकते हैं, कुकिंग के अंदर, डांस के अंदर, सिंगिंग के अंदर, बहुत कुछ है जिसके अंदर हम करियर बना सकते हैं। किस्मत की वो चाबी आपके पास है, उसका ताला ढूंढने की जरूरत है। उस ताले का कब खोलोगे, कितनी देर लगाओगे, ये सब आप पे डिपेंड करता है। और जिस दिन आपने उस चाबी से ताला खोल दिया, किस्मत आपके कंट्रोल में होगी। जरूरत है उस चाबी को यूज करने की, हमारे रिस्पॉन्स करने की, फिर देखना कैसे दुनिया आपके पीछे चलेगी। सो यूज योर ऑन की।